भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे बाहुबली इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी 11 महीने से जेल में बंद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत मिलने के बाद आज अयोध्या जिला जेल से रिहाई किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं रहा। रिहाई के दौरान हजारों की संख्या में समर्थकों का जमावड़ा जिला जेल के बाहर रहा और उनके जेल से बाहर आते ही जमकर नारेबाजी हुई और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें उनके आवास पहुंचा दिया गया है। अयोध्या जनपद के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी जनता दल के गठबंधन में जनता दल के टिकट पर विधानसभा गोसाईगंज से विधायक बने थे और ये छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए थे। करीब 30 वर्ष पहले इन पर 419 व 420 सहित IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में विधायक खब्बू तिवारी सहित फूलचंद यादव और कृपा निधान तिवारी आरोपी हैं। इसी मामले में अपर जिला अध्यक्ष पूनम सिंह ने तीनों की सजा सुनाई और सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में डाली गई याचिका में फूलचंद यादव और कृपया निधान तिवारी को जमानत मिल गई थी, लेकिन अभी तक विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी को जमानत नहीं मिल सका, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया जहां उनकी याचिका पर जमानत मंजूर कर दी गई। अयोध्या में जिला जेल से बाहर आते ही एक बार फिर बाहुबली व पूर्व विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी का जलवा देखने को मिला। हजारों की संख्या में समर्थकों जेल के पास घंटों में जमे रहे और उनके बाहर आते ही जमकर नारेबाजी की। वहीं एक लंबे काफिला के साथ अपने आवास पर पहुंचे जहां पर मिलने वालों का भी तांता लगा रहा। थोड़ी देर शाम अयोध्या में हनुमानगढ़ी कनक भवन का दर्शन पूजन भी किया तो संतोष आशीर्वाद लेते हुए कहा कि अब राजनीति के नए सफर की तैयारी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से बाहुबली जेल में बंद थे, जेल से बाहर आने के बाद लोगों का जुड़ाव और समर्थकों का उत्साह देखने को मिला, वाकई चौंकाने वाला है और इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खब्बू तिवारी एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। धन्यवाद।